हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आयशा 007। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, देखते हैं मैं आप लोगों के लिए क्या कंटेंट लेकर आई हूँ। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ डेट शीट। ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ ने 18 मार्च 2024 को 2023 और 2024 के सेशन के लिए बीएससी, बीकॉम और बीए के जो इवन सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए डेट शीट जारी करी है। जो स्टार्ट कब से हो रही है, हमारी 15 अप्रैल से हो रही है, 15 अप्रैल 2024। तो थोड़ा रीड कर लेते हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर एवं संबद्ध महाविद्यालयों संस्थानों में NEP 2020 के अंतर्गत संचालित BA, BSc, BCom पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों की सम सेमेस्टर द्वितीय, चतुर्थ एवं छठे सेमेस्टर परीक्षाएं दिनांक 15 अप्रैल से आयोजित कराई जाएंगी। उक्त परीक्षाओं का परीक्षा कार्यक्रम इस पत्र के साथ संलग्न है। मैं बता रखा है BA, BSc, BCom के इवन सेमेस्टर्स के लिए है जो 15 अप्रैल से स्टार्ट होंगी और इनकी जो डेट शीट है उसी के साथ आगे अटैच है। समस्त विभागों और महाविद्यालयों से अनुरोध है कि परीक्षा आरंभ होने से पूर्व समस्त पाठ्यक्रम यदि आवश्यकता हो तो अतिरिक्त कक्षाएं संचालित करते हुए पूर्ण करा लिया जाए तथा समस्त प्रयोगात्मक आंतरिक परीक्षाएं संपन्न करा ली जाएं। परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है 27 मार्च होगी। अत्य छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वह निर्धारित अवधि में अपना परीक्षा फॉर्म भरकर महाविद्यालय में मतलब जो है सत्यापित कराना सुनिश्चित करें। ठीक है, अब हम इसके आगे देखेंगे कि हमारी डेट शीट में कौन सा पेपर किस दिन है। ओके गाइस, अब हम जो है डेट के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट का देखते हैं किस दिन कौन सी शिफ्ट में हमारा पेपर होगा। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं, हमारे पेपर स्टार्ट होंगे 15 अप्रैल से। पहले शिफ्ट में हमारे दो पेपर होंगे 15 को, एक सेकंड सेम में होगा इंग्लिश का, एक सिक्स सेम में होगा संस्कृत का। अब उसके अकॉर्डिंग पेपर नेम और कोड आपको पता होना चाहिए। अब 15 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट 2 से 5 बजे तक में होगा कॉमर्स, फिजिक्स, बॉटनी सेकंड सेम के और कॉमर्स, फिजिक्स, बॉटनी सिक्स सेम के। अपने पेपर नेम, कोड वगैरह आपको पता होने चाहिए जिससे आप उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस और अपनी प्रिपरेशंस कर पाएँ। अब दूसरा हमारा पेपर होगा 16 अप्रैल को यानी ट्यूसडे के दिन। उस दिन फर्स्ट शिफ्ट में सिर्फ एक पेपर होगा 4th सेम का इंग्लिश का, जिनका नेम होगा पेपर का इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन। और सेकेंड शिफ्ट में होगा 4 पेपर, 2 4th सेम के कॉमर्स एंड फिजिक्स और फिर बॉटनी 4th सेम का, फिर 6th सेम का संस्कृत। आपको मैं दोबारा बता दूँ, पेपर नेम और कोड आपको ज़रूर पता होने चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वो ऐसे ही हमारे जो नेक्स्ट पेपर होगा वो 22 अप्रैल को होगा, उस दिन मंडे है। और जो है वो कौन से बच्चों का पेपर होगा, सेकंड सेम का 6th सेम का। सेकंड सेम वालों का हिस्ट्री होगा फर्स्ट शिफ्ट में और जो है 6th सेम वालों का डिफेंस स्टडीज़ होगा फर्स्ट शिफ्ट में। ये सब कोड और नेम आप लोग को पता होने चाहिए। और फिर 22 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में हमारा पेपर होगा एक सेकंड सेम का कॉमर्स का, फिर सेकंड सेम मैथमेटिक्स, सेकंड सेम जूलॉजी, फिर सेकंड सेम का फूड साइंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। और 6th सेम के 2 पेपर होंगे, एक कॉमर्स का एक फिजिक्स का, और फिर एक 6th सेम का बॉटनी का भी पेपर हमारा 22 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में होगा। अब नेक्स्ट डे हमारा जो पेपर है वो होगा 23 अप्रैल को ट्यूसडे को। फर्स्ट शिफ्ट में सिर्फ एक पेपर होगा 4th सेम में और हिस्ट्री, उसका नेम और कोड पता होना चाहिए। सेकेंड सेम में हमारा होगा 4th सेम के जो हमारे पास कम से कम 4 पेपर हो जाएंगे, एक कॉमर्स का, मैथमेटिक्स का, जूलॉजी का, फूड साइंस एंड क्वालिटी कंट्रोल और 6th सेम में हमारे डिफेंस स्टडीज। अब 29 अप्रैल को जो हमारा अगला पेपर होगा मंडे को, उस दिन फर्स्ट मतलब शिफ्ट में हमारे 2 पेपर होंगे, सेकंड सेम का पॉलिटिकल साइंस और 6th सेम का साइकोलॉजी। सेकेंड शिफ्ट में हमारे होंगे सेकेंड सेम का कॉमर्स और केमिस्ट्री, 6th सेम का कॉमर्स, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, फूड साइंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। मैं आप लोगों को बता दूं, जब आप लोग अपनी एक रफली अपनी एक पेपर पे डेट शीट लिखिएगा तो सबसे पहले आप इसमें से मैच करिएगा कि आपका जो सब्जेक्ट है उसका जो पेपर नेम है वो इससे मैच हो रहा है और कोड मैच हो रहा है नहीं हो रहा। वो सब मैच करने के बाद फिर आप उस दिन के लिए के आगे अपना उस सब्जेक्ट का नेम लिखिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को जो है प्रॉब्लम होती है डेट शीट में से अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में उसकी डेट वगैरह पता करने में। तो मैं आप लोग को एक बात बता रही हूँ। ओके चलो नेक्स्ट। अब हमारा नेक्स्ट पेपर है फर्स्ट शिफ्ट की अगर बात करें 30
अप्रैल को फोर्थ सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस है, फर्स्ट मई को सेकंड सेमेस्टर का हिंदी है, सिक्स सेमेस्टर का उर्दू है, सेकंड मई थर्सडे को हमारा फोर्थ सेमेस्टर का हिंदी है फर्स्ट शिफ्ट की बात। अब करते हैं सेकंड शिफ्ट की बात, यानी 2 से 5 बजे तक। 30 अप्रैल को हमारे फोर्थ सेमेस्टर में सेकंड शिफ्ट में होगा कॉमर्स केमिस्ट्री, फिर सिक्स सेम में साइकोलॉजी। फर्स्ट मई को हमारा सेकंड सेमेस्टर का इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस होगा, और सिक्स सेमेस्टर का मैथमेटिक्स जूलॉजी, और फिर सिक्स सेमेस्टर का फूड साइंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। अब सेकंड मई को इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस उर्दू ये भी हो गए। ओके, शीट जैसे मैं आप लोग साथ शेयर कर रही हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग अपना पेपर नेम कोड नंबर के अकॉर्डिंग अपनी डेट वगैरह देख सकते हैं। और मैं आप लोग को बता दूं, जैसे बीएससी वालों के लिए स्पेशली मैं बता दूं कि आप लोग का 15 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में बॉटनी का पेपर होगा सेकंड सेमेस्टर वालों का, जिस पेपर का नाम होगा आर्किगोनिएट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर, कोड नंबर होगा B04020T। ओके, और फिर उसके बाद आपका पेपर होगा 22 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में सेकंड सेमेस्टर का जूलॉजी का, जिसका नेम होगा बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, और कोड नंबर होगा B05020T। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट पेपर होगा 29 अप्रैल 2024 को मंडे को सेकंड सेमेस्टर का केमिस्ट्री का, वो भी सेकंड शिफ्ट में ही होगा, जिस पेपर का नाम होगा बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, जिसका कोड होगा B02020T। ओके, इसी वालों का 3 मेजर सब्जेक्ट के पेपर के बाद एक पेपर होगा को करिकुलर कोर्स का, जो होगा 14 मई को 2024 सेकंड सेमेस्टर वालों का, लेकिन ये होगा फर्स्ट शिफ्ट में। आपके पेपर का नेम होगा फर्स्ट एड एंड हेल्थ, और कोड नंबर होगा Z02020 1। और अगर जिन बच्चों ने आप मतलब माइनर का जो ईयरली पेपर देना होता है फर्स्ट सेमेस्टर में दे दिया है, उनको सेकेंड सेमेस्टर में पेपर नहीं देना है, ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, वरना आगे जाके बच्चों को सर चीज़ में प्रॉब्लम होती है। शीट जैसे मैं आप लोग साथ शेयर कर रही हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग अपना पेपर नेम कोड नंबर के अकॉर्डिंग अपनी डेट वगैरह देख सकते हैं। और मैं आप लोग को बता दूं, जैसे बीएससी वालों के लिए स्पेशली मैं बता दूं कि आप लोग का 15 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में बॉटनी का पेपर होगा सेकंड सेमेस्टर वालों का, जिस पेपर का नाम होगा आर्किगोनिएट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर, कोड नंबर होगा B04020 1T। ओके, और फिर उसके बाद आपका पेपर होगा 22 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में सेकंड सेमेस्टर का जूलॉजी का, जिसका नेम होगा बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, और कोड नंबर होगा B05020 1T। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट पेपर होगा 29 अप्रैल 2024 को मंडे को सेकंड सेमेस्टर का केमिस्ट्री का, वो भी सेकंड शिफ्ट में ही होगा, जिस पेपर का नाम होगा बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, जिसका कोड होगा B02020 1T। ओके, एससी वालों का 3 मेजर सब्जेक्ट के पेपर के बाद एक पेपर होगा को करिकुलर कोर्स का, जो होगा 14 मई को 2024 सेकंड सेमेस्टर वालों का, लेकिन ये होगा फर्स्ट शिफ्ट में। आपके पेपर का नेम होगा फर्स्ट एड एंड हेल्थ, और कोड नंबर होगा Z02020 1। और अगर जिन बच्चों ने आप मतलब माइनर का जो ईयरली पेपर देना होता है फर्स्ट सेमेस्टर में दे दिया है, उनको सेकेंड सेमेस्टर में पेपर नहीं देना है, ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, वरना आगे जाके बच्चों को सर चीज़ प्रॉब्लम होती है।
पूरा डेट शीट है जो हमारे CCS यूनिवर्सिटी के साइड से जो है रिलीज़ किया गया है। उम्मीद करते हैं आप लोग की कन्फ्यूज़न क्लियर हो गई होगी और स्पेशली जो मतलब कोड और पेपर नेम में प्रॉब्लम है वो भी आप लोग को देखना आ गया होगा। ये डेट शीट इवन सेमेस्टर के BA BSc BCom के बच्चों के लिए है, तो आप लोग कन्फ्यूज़ बिल्कुल ना हो, अपनी प्रिपरेशन करें। और आपके लिए आगे की वीडियोज़ के लिए अगर कोई भी सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर बताएँ, और मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग अगर मुझे कोई चीज़ सजेस्ट करेंगे और मैं कोशिश करूँगी आप लोग के लिए कंटेंट वैसा ही जल्द से जल्द लाने का। ओके, थैंक यू सो मच एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।